हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की भर्ती के बारे में। यूपी लेखपाल की भर्ती आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई यानी कि दरोगा की भर्ती आ चुकी है। लगभग 9,500 प्लस पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपी लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कब ये भर्ती आने वाली है, कब तक हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और कितना टाइम इसके सिलेक्शन प्रोसेस में लगेगा, तो उसको लेकर सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो भर्ती है ये बहुत जल्द ही संपन्न करा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ये सालों साल लटकती रहे, कोर्ट के चक्कर काटती रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से बातें बताई गई हैं। तो यूपीएसआई के बाद अगर आप यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा बनना चाहते हैं और दरोगा का फॉर्म इस बार आपको भरना है, अपने कंधे पर 2 स्टार लगाने हैं और आपने उस माँ को सपना दिखाया है जिस माँ से कहा था कि माँ तेरा बब्बर शेर अब की बार सरकारी नौकरी लेकर रहेगा, तो उस माँ के लिए उस दर्द मतलब उस दर्द को खत्म करने के लिए जो आपके अंदर पीड़ा भरी हुई है सिलेक्शन की, उसे खत्म करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की और जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलने वाली है, जो कि विद पीडीएफ आपको मिलेंगी फ्री में। तो आप लोग अगर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2021 के बारे में। इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ी खबर अभी अभी ये खबर आई है कि यूपी SSSC मार्च तक राजस्व विभाग में 8,249 पदों पर भर्ती की विज्ञापन जारी करने वाला है। इसकी भर्ती परीक्षा 3 माह में करा दी जाएगी, यानी कि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी यूपी SSSC की तरफ से निकल रही हैं और जितनी भी यूपी सरकार अब भर्तियां निकाल रही है, उन सभी में समय कम मिल रहा है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है इसमें। और भर्ती को 6 महीने में पूरा किया जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को उस मुकाम तक, उस शिखर तक लेकर अभी से तैयार हो जाइए, बाद का इंतजार मत कीजिए। तो दोस्तों, इसमें स्पष्ट बोला गया है 3 माह में आपके फॉर्म निकलने के 3 महीने बाद ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और आपको जैसा कि पता है यूपी SSSC लेखपाल पटवारी की जो भर्ती होती है इसमें सिर्फ एक पेपर होता है। अब तो आपका क्या जो रिटन एग्जामिनेशन सॉरी इंटरव्यू था समूह ग की भर्ती में से उसे हटा दिया गया है, तो इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका एक पेपर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। जो आपकी फीस भरी जाएगी इसमें, जो आपकी फीस भरी जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, इसमें ₹185 फीस रखी जाती है। कितनी है? ₹185 फीस होती है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी की कैटेगरी के लिए। अब इसमें ईडब्ल्यूएस और जुड़ने वाला है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, 10% सवर्ण आरक्षण भी इसमें आने वाला है। तो यह अभी इसमें क्लियर नहीं है। ₹185 इसके अंदर फीस है, जो कि टेंटेटिव है, बदल भी सकती है। मैं लिख देता हूं टेंटेटिव, अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। जितनी ही बातें हैं वो सभी एक तरीके से टेंटेटिव ही होंगी, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद तो ये क्लियर हो ही जाएगा। सॉरी सॉरी। अब बात करते हैं SC ST के कैटेगरी के लिए। SC ST कैटेगरी में जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मात्र ₹95 इसके अंदर फीस रखी गई है। कितनी है? ₹95 आपको फीस भरनी होती है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड PH कैंडिडेट के लिए इसमें मात्र ₹25 फीस है, जो कि कुछ भी नहीं है एक तरीके से। जो पेमेंट है आप उसको डेबिट कार्ड के थ्रू, ई नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ई चालान के थ्रू, SBI चालान के थ्रू आप इसको फीस को भर सकते हैं। एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, लास्ट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, ये सभी की सभी जल्दी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी जाएंगी। कि जैसे यूपी SSSC नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिर भी अगर बात करें ऑनलाइन स्टार्ट की, तो ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो सकता है? एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका
मार्च हो सकता है एक्सपेक्टेड, तो लिख देता हूं मैं, एक्सपेक्टेड भी लिख देता हूं, मार्च में आपकी ये फॉर्म सॉरी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना पूरी पूरी है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए। इसके अंदर जो एज एज है, एज लिमिट है, वो एज लिमिट है 18 वर्ष से लेके 18 to 40 years के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष के उम्मीदवार इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। कुल पदों की बात करें, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 8,249 पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाली है। तो अभी इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए। फिर मैं बोल रहा हूं, तैयारी को पूरा रखिए, ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो 8,249 पदों पर यह भर्ती है, चकबंदी लेखपाल की भर्ती निकलने वाली है। इसके अंदर जो पे स्केल होता है, सैलरी होती है, उस सैलरी का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर आपको 21,700 रुपये से लेके 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक इसमें फीस का जो सैलरी है उसे रखा गया है। 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक इसमें रखा गया है। अगर एक बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी, अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर से तो क्लियर हो ही जाएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन यहां पर जो आपका 12th पास है, इंटरमीडिएट है, अगर आप 12th पास हैं तो आप चकबंदी लेखपाल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन UPSI की वैकेंसी में ग्रेजुएशन से तो है, लेकिन उसमें भी बोला गया है कि अगर आपके पास CCC का है तो आप उसे लगा सकते हैं। तो आप लोग CCC का कोर्स जरूर कर लीजिएगा, CCC के कोर्स को मत छोड़िएगा। हो सकता है अगर बाई चांस वो मांग लेता है तो आप तुरंत के तुरंत उसे वो आपके पास होगा। इसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर से इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स सॉरी, ये जो वैकेंसी है यूपी लेखपाल की भर्ती है, ये जल्द ही भर्ती आपको दिखने वाली है। ये भर्ती अब आने ही वाली है, ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप लोग तैयार रहिए, और रिटर्न ये वैकेंसी जस्ट आने ही वाली है। तो फ्रेंड्स फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितने भी दोस्तों के साथ आप भेज सकते हैं भेजिए। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी ही ज्यादा क्लासेस आपको मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी। और क्लास आपको तभी मिलेगी जब आपका सपोर्ट हमारे साथ होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। अब की बार UP CCC पा।